सब लोगों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक सम्मान प्राप्त हो रहा है। तो हमारा तो आज का अपील है, क्या संकोच करना है? निर्णय लीजिए, एक तारीख को छड़ी का बटन दबा करके और मोदी जी को विश्वास दिला दीजिए। अभी तो एक ट्रेलर है, जब देश की सरकार का गठन होगा अभी तो बहुत सारे काम करना बाकी है जिससे कि हम सबका सम्मान बढ़ सके। मैं साथियों ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप हम सब लोग जिस प्रकार से आज भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर के काम कर रही है, आज जनता के प्रति जवाबदेही अगर कोई तय कर रहा है तो आपके बैठे हुए मिनिस्टर करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने साथियों 18.5 करोड़ रुपया देकर के गरीबों का इलाज कराया और आज मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार ने जनता के प्रति जवाबदेही देते हुए उन्होंने कहा इस उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई भी गरीब अगर बीमार होगा तो उसको 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क दिया जाए। साथियों गांव गांव में जाने के बाद मतदाताओं के सुझाव आ रहे हैं, लोग इस बात को कह रहे हैं कि अरविंद राजभर जी हम तो आपको मतदान करेंगे, छड़ी पर मतदान करके आपको जिताएंगे, लेकिन एक बात का वादा करो हमसे, जब सदन में जाना तो सदन में जाकर के एक आवाज जरूर उठाना कि जिस परिवार के पास 6 सदस्य हैं उसी का आयुष्मान कार्ड बन रहा है, सदन में जाकर के इस 6 वाले बैरियर को तोड़ करके जिस परिवार में जितना सदस्य हो सबका आयुष्मान कार्ड बने, ताकि प्रधानमंत्री जी की तरफ से 5 लाख रुपए के नर्स सत्र मिलना चालू हो जाए। इस बैरियर को तोड़ने के लिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि 1 तारीख को छड़ी का बटन दबाइए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है मेरा लक्ष्य है अंतिम व्यक्ति का हित और कल्याण। साथियों जब हमारी सरकार अंतिम व्यक्ति के प्रति जवाबदेही देने का कार्य कर रहा है, आज जब गांव में जाने के बाद माताएं भी कहती हैं कि बाबू बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, इसको कैसे रोका जाएगा, गांव गांव में जाकर हमने बताने का काम किया कि इस बार सरकार बनेगी, बिजली का बिल माफ होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने परसों मन से ही कहने का काम किया कि अब गरीबों को बिजली का बिल नहीं देना होगा, सबका बकाया 0 किया जाएगा, चुनाव जीतने के बाद एनडीए की सरकार बनेगी और सबका बिजली का जितना बकाया है सारा माफ करते हुए ऐसी व्यवस्था लाया जाएगा कि हर परिवार अब बिजली का उत्पादन भी करेगा, उससे अपना उपयोग भी करेगा और उपयोग के साथ साथ उस बिजली को बेचने का भी कार्य करेगा सरकार को। साथियों इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लेकर के हमारी सरकार ने तैयारी किया हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सूद समेत वापस करते हुए कहा अगर राजभर का सम्मान बढ़ सकता है, निषाद का बढ़ सकता है, पाल का बढ़ सकता है, तमाम जातियों का सम्मान बढ़ सकता है, तो फिर चौहान समाज का भी सम्मान बढ़ेगा और तारा चौहान मंत्री पद पर विराजमान भी होंगे और शपथ भी लेने का काम करेंगे। साथियों सबसे ज्यादा हवा अगर उड़ रही है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, अगर सबसे ज्यादा हवा उड़ रही है तो तमाम विरोधी दल के लोग इस बात को कह रहे हैं कि चौहान समाज की एकता खंडित हो रही है, चौहान समाज का एकता कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन साथियों मेरा आत्मविश्वास इतना ज्यादा है कि मैं इस बात पर ध्यान न देकर कि मैं जानता हूं कि चौहान समाज स्वाभिमानी है, अपने मान सम्मान के होता है और जो पार्टी सम्मान देने का काम करती है, जो पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करती है, जो देश की रक्षा करने का काम करती है, जो इस देश को आगे बढ़ाने का काम करती है, ऐसे दल का साथ छोड़कर के कभी नहीं जा सकते हैं। और ये लोग, ये लड़ाकू जाति, ये स्वाभिमानी लोग कभी भी पीठ पीछे करके भागने का काम नहीं करते हैं। भारत माता की। हमारे बीच में आलोक जायसवाल जी हैं, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, जोरदार ताली बजा के भैया का स्वागत करिए, कस के ताली बजाइए थोड़ा सा और कस के बजाइए ताली इन शब्दों के साथ अपने बारे को विराम देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।